जेके ट्वेंटी फोर सेवन का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ नाजरीन इस वक्त हम अवनीरा पंचायत हलके में हैं जहां पे आप जानते हैं कि अवनीरा जो है एप्पल हब माना जा रहा है जितना ज़िला शोपियान में फ्रूट निकलता है सेब निकलता है उसका आधा हिस्सा जो है आधा सेब जो है अवनीरा इलाके से निकलता है तो आप जहाँ आप इस चीज़ से खुद ही जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एप्पल हब है सेबू का हब माना जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है बड़े परेशान थे इस हल्के के क्योंकि जो इनके बगीचे हैं बगीचे में जो रास्ता जा रहा था कई साल उसे जो है एक रफ़ रास्ता था जिसके वजह से जब ये लोड कैरियर्स वगैरह गाड़ियाँ जो यहाँ पे लोड करते थे तो कहीं सेब किए सेब जो है वो टच होने की वजह से माल खराब हो जाता था लोगों की डिमांड रही थी कि इस रोड को जो है आनरा से ताजीपुरा तक जो है मैगनमाइज़ किया जाए ताकि हमारे बगीचे जो है हम माल लाने में और ले जाने में हमें जो सहूलियत हो कोई परेशानी ना हो तो देर आए दुरुस्त आए बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकी मांग जो है वो पूरी कर ली है सहयोग जो था सरपंच का और एजाज साहब यहाँ पे हैं उनकी सहयोग की वजह से ये काम कंप्लीट हुआ है इन लोगों से हमने बात की तो लोगों ने भी एजाज़ साहब जो यहाँ के रहने वाले हैं और गुलाम हसन मीर जो सरपंच है इनकी भी तारीफ की कि ये इन दोनों की वजह से इनकी मेहनत की वजह से कोशिश की वजह से जो है आवनेर से ताजीपुरा तक ये मैगनमाइजेशन का काम स्टार्ट हो चुका है और राहत जो है अब फ्रूट ग्रोवर्स को मिलेगी जो यहाँ पर हैं चलिए हम मजीद जानते हैं यहीं के एक नौजवान हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और उसके बाद हमें बताइए कि इस रोड से कितना फ़ायदा होगा है जी असलकुम मैं पहले आपकी के चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तक आए हो हम इस रोड से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमें बहुत अब सहूलियत होगी इस रोड पर चलने में हमें बहुत मुश्किल होते थे इस रोड पर चलने की गाड़ियाँ लोड हो के आते थे और यहाँ पे हमें उनका धक्का मारना पड़ता था हमें अब बहुत खुशी है कि इस रोड पर मैगडमाइजेशन हुआ है कि अब कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा हम आर एंड बी डिवीज़न का जैनपुरा डिवीज़न का बहुत शुक्रगुजार है और एजाज साहब का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने इस रोड पे ध्यान दिया है और ठेकेदार साहब का भी बहुत शुक्रगुजार है इस रोड पे बहुत अच्छा काम किया है पुल बनाया है ये भी बहुत स्ट्रांग बनाया है और मैगडमाइजेशन कर रहा है आज बहुत अच्छा कर रहा है बहुत अच्छा काम चला है इस रोड पर हम इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश है शुक्रिया बात करने के लिए तो आपने आपने देख लिया कि एक नौजवान ने किस तरह से कहा कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ लोगों का भी सहयोग रहा कॉन्ट्रैक्टर ने भी अच्छा काम किया है और बहुत फ़ायदा मिल रहा है तो इस बीच हमारे साथ यहाँ और भी लोग हैं तो भी हम जानेंगे कि कितना फ़ायदा है इस रोड का कितनी मुश्किल होती थी बहुत फ़ायदा है

क्या ये गांदर रोजन वो ज्यादा पता यूनि तो शिक्षार चलिए और भी यहाँ पे सरपंच साहब है ग्राम हस्ल मेर इनसे भी हम बात करेंगे मीर साहब कितना लोगों को नुकसान हो रहा था जब रोड राफ रोड थी कितनी परेशानी हो रही थी इस इलाके को इससे पहले मैं अंदाज़ा नहीं लगाऊँ लगा सकता हूं कि कितना इस हल्के में नुकसान होता रहा है क्योंकि सड़क की वजह से लिहाजा बहुत खुश है आवनेरा वाले जो है ये बहुत खुश है ख़ासकर जिनके पास वहाँ जमीन है बागात है ये बहुत खुश है सबसे खुश है मेरे ख्याल में इतनी खुशी के पास अभी मौजूद नहीं है तो अगले साल और भी अगर कुछ इसमें खामी हो तो वो भी ठीक हो जाएगी के लिए सरपंच और लोगों ने यहाँ पे अपने ख्याल का इजहार किया कि किस तरह से यहाँ पे रोड का जो काम हुआ लोगों को कितना फायदा है यहाँ पे जो बगीचे हैं जो फार्मर्स हैं उनको फायदा होगा क्योंकि एक नौजवान का कहना था कि जब यहाँ से गाड़ी आ रही थी इस चढ़ाई में हमें धक्के देना पड़ते थे अनलोड गाड़ी करना पड़ती थी उसके बाद फिर से लोड करना पड़ती थी जिसकी वजह से हमें माली और जानी जो है खदशात ज़्यादा रहते थे लेकिन अब जो है मैगनमाइजेशन का, का काम स्टार्ट हो चुका है लेकिन इनकी ये डिमांड है कि ये फेज फर्स्ट हुआ है फेज सेकंड भी होना चाहिए ताकि जो आगे गांव है उसके साथ ये कनेक्ट होना चाहिए रोड कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए ताकि हमारा माल जो वहाँ से ले जाना था हम वहीं से लें जो यहाँ लाना है वो हम यहाँ से लाए तो उम्मीद करते हैं एक तो हम भी अपनी तरफ से आर एंड बी डिवीज़न जैनपुरा की भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने पहल की है जिस तरह से वो काम करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, का, का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हर जगह पर इस वक्त मैगडमाइजेशन का काम जो है बड़ा ज़ोर से चल रहा है और हर गरीब कोचे में मैगडम डाला जा रहा है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की ये पहल रहती है कि लोगों को जो है सहूलियत पहुंचाई जाए तो इस ज़मन में आबनरा से ताजीपुरा तक जो है मगनमाइजेशन का काम स्टार्ट हो चुका है और आ, कुछ आ, काम अभी फेस फर्स्ट हुआ है फेज़ सेकंड होना चाहिए लोगों का कहना है ताकि ये बराबर आगे कनेक्ट हो और लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सके के ट्वेंटी फोर के लिए आवमीरा से मोहम्मद आसिफ